हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डीके मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इन दिनों हम जो है दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो सब्जेक्ट बेसिस चल रहा है और एक जो है रीजनिंग पोर्शन चल रहा है ना। और स्पेशली आज हम उसी रीजनिंग को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड वीडियो लेक्चर होगा उसका, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग का थर्ड इसको टॉपिक कह सकते हैं, और वो टॉपिक है ब्लड रिलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रिश्ते, ठीक है ना। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको पता है। चाहे वो नेट का हो, यूजीसी नेट हो, सीएसआई नेट हो, या फिर सेट हो, है ना, उसका जो फर्स्ट पेपर होता है, पार्ट ए होता है, या फिर किसी भी अन्य कंपटीशन एग्जाम में आप देख लीजिए, ठीक है ना। वहाँ आप देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है, इनका टेक्निक क्या है, ट्रिक क्या है, वो समझना पड़ेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिए, ठीक है ना। ओके, तो क्या क्या रिलेशंस होते हैं, क्या क्या जो रिश्ते बनते हैं, पहले वो आपको समझना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उससे पहले रिलेशन बता रहा हूँ। और एक चीज़ और, मैं जितने भी कॉन्सेप्ट बताता हूँ हर एक टॉपिक से रिलेटेड मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, तो शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए। एक तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू फादर, एक हो गया विद रिस्पेक्ट टू मदर, ठीक है ना। अपने आप को मैं सेंटर में लूँगा, माई सेल्फ, मैं सेंटर में हूँ। अब यहाँ से चार अलग अलग सिचुएशन बनेंगे, एक फादर तरफ से, एक मदर तरफ से, एक ब्रदर तरफ से, और एक सिस्टर की तरफ से, ठीक है ना। अच्छे से समझना, जैसे फादर की तरफ से बात करूं, ठीक है ना। तो फादर है यानी पिता है, उसके पिता का पिता दादा, और पिता का जो माँ है वो होगा दादी, ठीक है ना। इसी तरह से पिता की बहन है बुआ, और उसका जो हस्बैंड होगा होगा फूफा, ठीक है ना। और पिता का जो भाई है चाचा, उनकी जो वाइफ होगी होगी चाची। इतना क्लियर हो गया। अब अगर मैं बात करूँ अपने मदर तरफ से, है ना, मदर जो माँ है, है ना, उनके जो पिता है वो नाना है, उनकी जो माता है वो नानी है, ठीक है ना। उनकी जो बहन है वो है मौसी, और उसका पति मौसा, ठीक है ना। उनका भाई है मामा, उसकी पत्नी मामी। इतना क्लियर है, रिवीजन होता जा रहा है ना। अब मेरे भाई, ठीक है, की पत्नी भाभी, और मेरे पत्नी का भाई साला, मेरी पत्नी की बहन साली, ठीक है ना। अगर बात करें मेरी सिस्टर के, है ना, सिस्टर, सिस्टर की जो पति है वो है, अगर बड़ा है उम्र में तो जीजा, छोटा है तो भनोई, ठीक है ना। जैसे माई सेल्फ जो मैं लिया हूँ, अगर मैं एक फीमेल वर्जन में लूँ, ठीक है ना, तो फिर उनके व्यू से उनके पति, है ना, का बहन ननद हुआ, ठीक है ना। बड़ी छोटी उससे मतलब नहीं, ननद मतलब ननद। उनका जो भाई है अगर छोटा है तो फिर देवर, और अगर बड़ा है तो जेठ, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पूरे रिलेशंस में बता चुका हूँ, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। समर ने वीणा से कहा, आपके इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। तब वीणा और समर के बीच कैसा रिलेशन है, कैसा संबंध है, ठीक है ना। ऑप्शन है माँ, मामी, बुआ, मौसी, ठीक है, अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहली चीज़ बोला है, समर ने वीणा से कहा, क्या कहा, कि आपके इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। इसको पूरा स्ट्रक्चर बना लेना है, मैंने यहाँ बनाया, देखिए। समर ने वीणा से कहा, क्या कहा, कि वीणा, है ना, कि जो इकलौते भाई है, इसकी जो बहन है वो क्या है, है ना, समर की माँ है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना कि जो भी यहाँ पर है सेंटर में, उसको अपना खुद मान लेना, ठीक है। तो मैं ही समर हूँ, समझ लो, ठीक है ना। अब रिवर्स में जाओ भैया, मेरी माँ जो है, ठीक है ना, ये है, अगर ये मेरी माँ है तो उसका जो भाई है मेरा क्या हुआ, मामा हुआ, ठीक है ना। और मामा की ये बहन, इसका मतलब क्या है, उनकी जो बहन है मेरी क्या हुई, मौसी। तो पूरा रिलेशन अपने से लिंक करना है। क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा समर और वीणा के बीच में क्या रिलेशन है, और पूरे जो ऑप्शन है वो फीमेल वर्जन है, तो ऑब्वियस सी बात है, है ना, वीणा का रिलेशन पूछ रहा है मेरे से, क्या होगा, मौसी, क्लियर ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, मौसी, ऑप्शन नंबर डी। इतना क्लियर है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, विनीत ने अर्चना से कहा, आपका इकलौता भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, ठीक है ना। अर्चना विनीत की औरत से, यानी उसकी पत्नी से कैसे संबंधित है। ऑप्शन है माँ, मौसी, चाची और बुआ, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, है ना, ठीक है। क्या बोल रहा है, विनीत ने अर्चना से कहा, विनीत को समझ लो माई सेल्फ, मैं खुद हूँ, ठीक है। और इन्होंने अर्चना से कहा, क्या कहा, मतलब मैंने अर्चना से कहा कि भैया आपके जो भाई है ना, इकलौते भाई का जो बेटा है, है ना, वो क्या है, मेरी पत्नी का भाई है। और मेरी पत्नी का भाई, इसका मतलब ये मेरा साला हुआ, ठीक है ना। रिवर्स में जाओ, मेरी पत्नी का भाई मतलब ये क्या हुआ, है ना, साला हुआ, ठीक है। तो ये हो गया मेरा साला। अब इनका बेटा है ये, तो ऑब्वियस सी बात है इनका ये क्या हुआ, फादर, ठीक है। अब मेरे साला का जो फादर है, ऑब्वियस सी बात है मेरा क्या हुआ, ससुर हुआ। इतना क्लियर ना। अब ये दोनों भाई बहन है, है ना, तो ये ससुर का सिस्टर है ना, उनकी बहन, तो ऑब्वियस सी बात है ये मेरे लिए बुआ सास है, ठीक है ना। और इनके लिए, इनके लिए ऑब्वियस सी बात है बुआ हुई, है ना, क्लियर ना। तो विनीत की पत्नी, है ना,
का जो है अर्चना के साथ रिलेशन कैसा है, बुआ का रिलेशन है, ऑप्शन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में ये बोला था अर्चना विनीत की ओर से यानी उनकी पत्नी से कैसे संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कृष्णा मीना का भाई है, अगर मीना की बहन संगीता पवार की भतीजी है तो कृष्णा पवार से कैसे संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना। कृष्णा मीना का भाई है, इसका मतलब कृष्णा मीना है ना, मीना जो है कृष्णा की बहन हुई, यानी दोनों भाई बहन हैं, इतना क्लियर। अगर मीना की बहन संगीता, मीना की बहन संगीता ऑब्वियस सी बात है कृष्णा की भी बहन हुई, इसका मतलब तीनों भाई बहन हुए, ठीक है ना। पवार की भतीजी, पवार नाम है ना, ध्यान रखना नेम है। मीना की बहन संगीता जो है पवार की भतीजी है, तो कृष्णा पवार से कैसे संबंधित है, ऑप्शन में है बेटा, भांजा, भाई और भतीजा। अच्छे से फोकस करना, मैं यहाँ भी स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ये स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए ना, कैसे बनाया, ठीक है। कृष्णा मीना का भाई है, ऑब्वियस सी बात है ऐसी बनेगा, कृष्णा जो है मीना का भाई है और संगीता जो है मीना की बहन है, ठीक है ना। तो भाई इसका मतलब ये दोनों बहन है और ये इनका भाई, मतलब इनका भी भाई हुआ, तो ये तीनों हो गया भाई और बहन, इतना क्लियर। और क्वेश्चन में दिया है कि पवार जो है ना, कि पवार संगीता जो है पवार की भतीजी है, संगीता जो है पवार की भतीजी है, इसका मतलब पवार की भतीजी संगीता, तो पवार की भतीजी मीना, इसका मतलब पवार का भतीजा होगा कृष्णा, क्लियर ना। तो क्या हो जाएगा, भतीजा, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक औरत की तस्वीर को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती लड़की है, औरत उस आदमी से कैसे संबंधित है। ऑप्शंस हैं बेटी, पत्नी, बहू और सास, ठीक है ना। एक औरत की तस्वीर को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, उस आदमी को समझ लो मैं खुद हूँ, ठीक है ना, कहा कि वह मेरे इकलौते पुत्र के सास की इकलौती लड़की है, ठीक है ना। तो फिर वो जो लेडी है ना, औरत है, उनसे मेरा क्या रिलेशन है वो बताना है, ठीक है। तो इसको पॉइंट आउट करना है आपको कैसे, है ना। एक आदमी ने यानी मैंने उस औरत की तस्वीर को है ना दिखाते हुए या देखते हुए कहा कि वो जो औरत है मेरे इकलौते पुत्र के सास की लड़की है, इतना क्लियर ना। अब आप खुद सोचिए, है ना, इकलौती लड़की है, ठीक है ना। तो मेरे इकलौते पुत्र के सास, तो भाई मेरे पुत्र का सास मतलब क्या, पुत्र का सास हुआ समधन, इतना क्लियर। और समधन की लड़की यानी उसकी पुत्री, समधन की लड़की मतलब क्या भैया, वो हो गया इकलौती लड़की, इसका मतलब ये हुआ भाई कि ये मेरी क्या हुई, बहू, इतना क्लियर ना। मेरे पुत्र के सास यानी मेरे समधन और मेरे समधन की जो लड़की है ऑब्वियस सी बात है मेरी बहू होगी, है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीलिमा अमित से कहती है कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे दादा हैं, तो अमित के पिता का नीलिमा से क्या संबंध है। ऑप्शंस हैं भाई, फूफा, मामा और दादा, ठीक है, लॉजिक लगाइए। नीलिमा अमित से कहती है, नीलिमा अमित से कहती है कि तुम्हारी माँ के पिता मेरे क्या हैं, दादा हैं, तो फिर अमित के पिता का, ठीक है, नीलिमा से क्या संबंध है, है ना। तो कैसे पॉइंट आउट करेंगे, नीलिमा हो गया, ये अमित हो गया, पहले अलग अलग ऐसे बना लो सेपरेट, नीलिमा और अमित, ठीक है। बोल रहे कि तुम्हारी माँ यानी ऑब्वियस सी बात अमित के माँ के पिता, ठीक है, तुम्हारी माँ के जो पिता है वो क्या है, मेरे दादा है, नीलिमा का जो है दादा है, इतना क्लियर ना। अब रिलेशन जो पूछ रहे हो, अमित के पिता के साथ नीलिमा का क्या संबंध है, तो अमित का पिता, अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो बताना है, ठीक है, लॉजिक लगाइए। रिवर्स में जाना है हमेशा, हर क्वेश्चन में देख सकते हैं, पहले एक पोर्शन में पहले पॉइंट आउट करता हूँ फिर उसको रिवर्स जाते हुए मैं आंसर में आता हूँ, यही एक तरीका होता है ना। नीलिमा के दादा है ना, और इन यहाँ पे लिखा रिलेशन माँ है और पिता है, इसका मतलब, ठीक है, इनकी ये पुत्री हुई है ना। अब नीलिमा के दादा की पुत्री, इसका मतलब भैया ये क्या हुआ, इनकी बुआ हुई, इतना क्लियर ना, ठीक है। ये हो गई नीलिमा की बुआ, अब नीलिमा के बुआ, अब इनकी माँ है मतलब ऑब्वियस बात इनका ये लड़का हुआ, तो बुआ का लड़का, अब लड़का मतलब इनका जो लड़का ऑब्वियस बात इनकी भाई होगी, भाई कौन सा भाई, फुफेरा भाई, इतना क्लियर ना, ठीक। अब फुफेरा भाई है ना का जो पिता है यानी कि ऑब्वियस सी बात है बुआ की पति हुई, इसका मतलब ये क्या हुआ, इनका फूफा, इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो फिर नीलिमा, अब देख सकते हैं अमित के जो पिता है वो नीलिमा का क्या है, फूफा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, बी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक लेवल का क्वेश्चन है ना, अच्छा है। देखिए, एक परिवार में पी एवं क्यू दंपत्ति है, ठीक है, आर पी का पिता है, पी एवं एस भाई बहन है, पी की इकलौती बहन पी है, तो बताएं आर की जो बेटी एस के बहनोई से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। जहां पी की वारिस की बात आई, ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा लेंदी फील होता है ना। आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, सबसे पहले जो चीज़ दिया है क्या दिया है, क्वेश्चन को बार बार रीड मत करना, वैसे में कन्फ्यूजन हो जाएगा। आप सीधा पॉइंट आउट करने का शुरू करो, एक बार पढ़ो उसके बाद सीधा उसको डायग्राम के फॉर्म में बनाओ। पी व क्यू दंपति है, पी व क्यू दोनों दंपति है, दंपति का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ, सीधी सी बात,
ठीक है ना, पी और क्यू दोनों हस्बैंड वाइफ है, कौन हस्बैंड कौन वाइफ, कौन मेल कौन फीमेल ये मुझे पता नहीं है, आगे देखेंगे समझ आएगा। आर पी का पिता है, ठीक है, आर जो है पी का पिता है, इतना श्योर है। ओके, आगे दिया है पी ओ में एस भाई बहन है, पी और एस जो है भाई बहन है, अब ये दोनों भाई बहन है, अब इसमें भी कौन बहन कौन भाई पता नहीं, ठीक है, लेकिन भाई बहन है। टी की इकलौती बहन पी है, ये बहुत बड़ा हिंट कर रहा है ना, टी की इकलौती बहन पी है, इसका मतलब फीमेल है, इसका मतलब ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये समझ आ गया हस्बैंड वाइफ, इतना क्लियर ना। तो ये दोनों जो है हस्बैंड हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, ठीक है, और ये जो है टीकी क्या है, इकलौती बहन, अब ये दोनों भाई बहन है तो ऑब्वियस सी बात है इनका ये जो है भाई है, ठीक है, ओके, और इनका जो है ये जो है बहन है, इतना क्लियर। और आपको ऊपर में लिख दिया है भाई, क्या लिख दिया है कि इनकी जो बहन है ये है, इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों बहन है और ये भाई है, तीनों जो है भाई बहन है, ठीक है ना, और इनकी इकलौती बोला, इससे पता चलता है कि दो बहन है और एक भाई है, इतना समझ हुआ कि नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो, है ना, इनकी पिता, ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के पिता होंगे, है ना, आर जो है, तो आर जो है इन तीनों के क्या हैं, पिता हैं, इतना समझ आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आर की बेटी एस के बहनों से कैसे संबंधित है, आर की बेटी ये दोनों है, ध्यान रखना, ये भी है और ये भी है ना, तो आर की जो बेटी है ना, वो चलो इसको ही ले लेते हैं, आर की जो बेटी है वो क्या बोला क्वेश्चन में, एस के बहनोई से कैसे संबंधित है, एस के बहनोई, एस का बहनोई या जीजा कौन होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है इनके दो बहन हैं, इनके दो बहन हैं, इन दोनों बहन के जो हस्बैंड होंगे वही इनकी बहनोई होगी, ठीक है ना। अब इनके हस्बैंड अभी डेटा के हिसाब से ये दिया हुआ है, ठीक है ना, तो उसी को देख लेते हैं, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है उसको देख लो, है ना। अब इनकी जो बहनोई है ऑब्वियस सी बात है क्यों हुआ, इतना क्लियर है कि नहीं। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, आर की बेटी एस के बहनोई से कैसे संबंधित है ना, यानी आर की जो बेटी है ना, इनके बहनोई से कैसे संबंधित है, भैया दोनों हस्बैंड वाइफ है, पति पत्नी है ना, समझ आ रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि क्यू जो है पी की पति हुआ और पी जो है क्यू की पत्नी हुई, है ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो रहा है करेक्ट, ए पत्नी होगा, क्लियर है। यहाँ पे जो टी है ना, वो मेल है कि फीमेल है ये क्लियर नहीं है ना, ठीक है, इसकी इकलौती बहन पी है ये क्लियर हो सकता है कि ये जो है भाई हो इनका, है ना, तो टी के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दिया, लेकिन इतना क्लियर है ये तीनों जो है भाई बहन है, जिसमें अगर हम जेंडर के व्यू से बात करें तो इतना क्लियर है कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो इनके मेल और फीमेल में कन्फ्यूज़न है, इसी वजह से हम इसी के जो क्या बोलते हैं हस्बैंड है उस पर बात करेंगे, क्लियर ना। तो इसकी जो बहनोई है क्यों है और इन दोनों में रिलेशन जो है हस्बैंड वाइफ का है, इसी वजह से आंसर में क्या आएगा, पत्नी पी, ठीक है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिंकी सचिन की माँ है, हरीश संदीप का पिता है, सचिन और मोहित का भाई संदीप है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है, ध्यान रखना सत्य नहीं है, तो पहले जो सत्य है जो ट्रू है उसको देख लो, फिर जो नहीं होगा कोई एक ऑप्शन होगा जो सही नहीं होगा उसको देख लेंगे। पिंकी हरीश की पत्नी है, संदीप हरीश का पुत्र है, हरीश मोहित का भाई है, सचिन मोहित का भाई है, ऐसे फोर अलग अलग ऑप्शंस हैं, अच्छे से ऑब्जर्व करना, ठीक है ना। पिंकी सचिन की माँ है, पहले वो चीज़ में बना लिया, ठीक है, पिंकी और सचिन लिख लो, अब रिलेशन ऐसा है कि पिंकी सचिन की माँ है, यानी सचिन की माँ है पिंकी, ठीक है। नेक्स्ट, हरीश संदीप का पिता है, यहाँ संदीप लिख लो, हरीश लिख लो, ठीक है, तो संदीप के पिता हरीश हैं, संदीप के पिता जो है हरीश हैं, इतना क्लियर। मोहित और सचिन और मोहित का भाई संदीप है, सचिन और एक लिख लो मोहित, इन दोनों का जो भाई है संदीप है, इन दोनों का भाई संदीप, ये भी दोनों तो मेल हैं, मतलब दोनों भी तो भाई होंगे, तो तीनों हो गए भाई भाई भाई, इतना क्लियर। अब तीनों भाई है ना, ध्यान रखना, अब इनके माँ ऑब्वियस सी बात है इनके पिता वही होंगे, है ना, तो सचिन संदीप और मोहित के माँ है पिंकी, सचिन संदीप और मोहित के जो पिता है वो है हरीश, इतना क्लियर। अब ऑप्शन के हिसाब से पिंकी हरीश की पत्नी है, पिंकी हरीश की पत्नी बिल्कुल, इनके माँ और इनके पिता दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे, ठीक है ना, तो पिंकी हरीश की पत्नी है। नेक्स्ट, संदीप हरीश का पुत्र है, संदीप हरीश का पुत्र है बिल्कुल, अगर ये इनके पिता है तो ये संदीप इनका क्या हुआ, पुत्र हुआ, है ना। हरीश मोहित का भाई है, हरीश मोहित का गड़बड़, हरीश तो मोहित का पिता है, है ना, तो ये गलत है ना। संदीप नेक्स्ट है, सचिन मोहित का भाई है, सचिन मोहित का भाई बिल्कुल सही है, ठीक है, तो ए बी और डी बिल्कुल सही ऑप्शन है, हमें पूछा गया था कौन सा सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, हरीश मोहित का भाई ये गलत है, तो आंसर होगा सी, ठीक है, क्लियर है। तो आप जो है खुद से प्रैक्टिस कीजिए, एग्जांपल्स लीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी कॉन्सेप्ट बताया गया क्लियर हुआ होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आता है बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो डायरेक्शन प्रॉब्लम पर बेस्ड होगा, ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।